हाय फ्रेंड, मैं नितिन, गुजरात इंडिया से। आज हम बात करेंगे स्विफ्ट विस्टा कोट्रा जेट और Z10 वाला ECM मैग्नेट मरेली वाला। और उसमें ज़्यादातर फॉल्ट ऐसा आता है, रेफरेंस कोड बन के आ जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने वन टेबल पे कनेक्शन किया हुआ है मेरे ECU टेस्टर पे। अभी मैं उसको टाटा में जाऊंगा। व्हीकल में जाऊंगा, मेरा विस्टा कोट्रा जेट है, इसमें जाऊंगा। इंडिका विस्टा में मैं गया, डोमेस्टिक में गया, डीजल में गया, और मैं कोट्रा जेट फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा। अभी मैं जाऊंगा इंजन में, अब करूंगा रीड कॉल। अब देखो कि प्लीज रेफर टू मैन्यूअल, ये सबको ये दिक्कत आती है कि भाई ऐसा कोड बन के आ रहा है। महिंद्रा में भी आएगा, टाटा में भी आएगा, मारुति में भी आता है। तो सब बोलते हैं भाई वायरिंग चेक करो, वो चेक करो, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। सही में इसमें देखो, वायरिंग भी सही है, मशीन पे लगाया हुआ है, वायरिंग भी सही है, सब ओके है। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम है ECM के अंदर है। देखो, मैं सही ऑप्शन में गया हूँ, कोट्रा जेट में गया हूँ स्कैनर पे, और थिंक कार मास्टर है मेरे पास, ओरिजिनल है टूल्स भी, और सारे कोड बन के भी आ रहे हैं सही प्रकार से। जो जो इसमें है वो सब बन के आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई रेफरेंस कोड बन के आएगा तो आपके वायरिंग में दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। रेफरेंस कोड का मतलब रहेगा कि आपको रेफरेंस कहीं से नहीं मिल रहा है। ये ECM में प्रॉब्लम यही है, गाड़ी स्टार्ट होती है और तुरंत बंद हो जाती है। जैसे स्टार्ट होती है तुरंत बंद हो जाती है। तो इसका मतलब वही हुआ कि भाई इसमें आपको ECM से 5 वोल्ट जो रेफरेंस मिलता है वो मिलना बंद हो गया है। तो उसको मैं रिपेयरिंग करूँगा, कहाँ फॉल्ट है वो मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा। अभी इसमें प्रॉब्लम है, एक तो फैन डायरी के EGR वाल ओपन हो गया है ECM से। अब देखो, इसमें फैन और EGR वाल दोनों ऑटोमेटिक पे नहीं है, डायरेक्ट हो गए। उसको 5 वोल्ट का रेफरेंस नहीं मिल रहा है ECM को, इस वजह से ये कोड बन के आ रहा है कि आपको गाड़ी में मालूम नहीं पड़ेगा EGR वाल का। शायद फैन का मालूम पड़ जाए, फैन डायरेक्ट हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन EGR वाल का आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अभी इसमें कहीं EGR वाल का कोड बन के भी नहीं आ रहा है, समझ लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई कोड बन के आ नहीं रहा और ये रेफरेंस कोड बन के आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं भाई आप वो वायरिंग कर डालो। नहीं, देखो पहले वायरिंग भी देखना ज़रूरी है, सेंसर भी देखना ज़रूरी है, और बाद में नहीं होता है तो ECM पे चले जाओ। अभी ECM में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। थैंक यू भाई।